हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी स्टार्ट ग्रामर स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर नंबर 17 स्टोरी राइटिंग। यहाँ पे स्टोरी दी हुई है थर्स्टी क्रो, जो प्यासा जो कौआ है उसके बारे में स्टोरी है। वन हॉट डे अ थर्स्टी क्रो फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर। वन हॉट डे मतलब बहुत ज्यादा जिस दिन गर्मी थी उस दिन अ थर्स्टी क्रो फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर। वो सब जगह वाटर पानी सब जगह वो ढूंढ रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट फाइंड एनी। बहुत ज्यादा देर तक उसने पानी ढूंढा लेकिन उसे कहीं पे भी वाटर नहीं मिल रहा था। ही फेल्ट वेरी वीक, वो बहुत वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप, वो उसे सारी होप थी वो सब खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि मुझे कहीं पे भी वाटर नहीं मिलेगा। सडनली ही सो अ वाटर पिचर अंडर अ ट्री। तभी उसे एक ट्री के नीचे पिचर, ऐसा ये जो पॉट होता है मटका, वो मिला। ही फ्लू स्ट्रेट डाउन टू सी इफ देयर वेयर एनी वाटर इनसाइड। तब वो वहां पर गया और उसने उसमें देखा कि वाटर है या नहीं। ही सॉ सम वाटर इनसाइड द पिचर। तब उसने देखा कि सम वाटर, थोड़ा ही कुछ ही पानी था उसके अंदर। द क्रो टायर्ड टू पुश हिज हेड इनटू द पिचर। तो क्रो ने ट्राइड किया अपना जो हेड था वो पीटर के अंदर डालने के लिए। सडनली ही फाउंड दैट द नेक ऑफ द पीटर वॉज टू नैरो। तब उसने देखा कि जो पीटर का जो नेक है, ये जो पॉट का जो नेक है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। देन ही टायर्ड टू पुश द पीचर टू टिल्ट फॉर द वॉटर टू फ्लो आउट बट द पिचर वॉज टू हैवी। तब उसने ट्राई किया उसे पुश धक्का देने के लिए लेकिन वो बहुत ही हैवी था, भारी था। द क्रो थॉट फॉर अ वाइल, देन लुकिंग अराउंड हिम ही सॉ सम पीबल्स। तब क्रो ने क्या किया, वो उसने आजू बाजू में जो थे वहां पे देखा और उसने कुछ पीबल्स, ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो इकट्ठे किए। ही सडनली हैड अ गुड आइडियाज, उसे सडनली गुड आइडिया आ गया। ही स्टार्टेड पिकिंग अप द पीबल्स वन बाय वन, उसने वन बाय वन पिक करना स्टार्ट कर दिया पीबल्स, ड्रॉपिंग ईच इनटू द पीटर। और क्या किया, ये जो पीटर के अंदर ड्रॉप करना शुरू कर दिया, डालना शुरू कर दिया। एज मोर एंड मोर पीबल्स फिल्ड द पीटर द वॉटर लेवल केप्ट राइजिंग। जब उसने ज्यादा से ज्यादा उसमें डालना शुरू किया तो वॉटर लेवल क्या हो गया, राइजिंग, ऊपर आने लगा। सून इट वॉज हाई इनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक। और वो कहाँ तक आ गया कि वो जो क्रो था वो वॉटर पी सके। हिज प्लान हैड वर्क्ड एंड ही क्वेंटेस्ट हिज थ्रस्ट। उसका प्लान क्या हो गया, वर्क करने लगा, काम करने लगा, मतलब उसे जो पानी था वो मिल गया और उसकी जो प्यास थी वो भी फिनिश हो गई। ओके, टर्न योर पेज। एक्सरसाइज टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड ऑफ गिवन वर्ड्स। शैडो, डॉग, बॉर्न, ग्रीडी, एक्साइटमेंट, रिवर और माउथ। वन डे अ ब्लैंक, a dog found a piece of bone in the marketplace. He wanted to take it home. He was crossing a river. One day dog को क्या मिला था, पीस ऑफ बॉन, ये जो जो हड्डी है वो मिली थी। तो वो उसने क्या किया, वो अपने घर पे ला रहा था। He was crossing a river. तो उसने क्या कि बीच में जब वो आ रहा था अपने घर पे तब उसने रिवर क्रॉस किया। रिवर जो नदी होती है उसे बोलते हैं रिवर। रिवर बाय ब्रिज,
उसने रिवर कैसे क्रॉस किया? ब्रिज से. When the dog was in the middle of the bridge, he noticed his own shadow in the water below. जब वो मिडल में बीच में था ब्रिज के, तब उसने देखा कि वाटर में उसका खुद का शैडो दिखाई दे रहा था. बट ही थॉट दैट इट वॉज अनदर डॉग. लेकिन वो डॉग ने क्या सोचा कि वो दूसरा कोई डॉग है. दैट वॉज कैरिंग इन हिज माउथ. और उसने भी एक बोन कैरी किया हुआ है, माउथ में लिया हुआ है. अनदर पीस ऑफ बोन. द ग्रीडी डॉग वॉन्टेड टू गर्प द पीस ऑफ बोन ऑल्सो. डॉग वॉन्टेड टू गर्प दैट पीस ऑफ बोन ऑल्सो. उसने भी एक बोन लिया हुआ है, ऐसी एक हड्डी ली हुई है. सो ही जम्प्ड इन टू द वॉटर इन ग्रेट एक्साइटमेंट. तो उसने क्या सोचा कि वो भी मैं हड्डी उससे ले सकता हूँ. तो उसने क्या किया, जम्प कर दिया. ही वॉज कैरिड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ रिवर. तो वो क्या हो गया, वो रिवर पे गिर गया.